अलवरगेट थाना अंतर्गत बुधवार रात चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक की रिपोर्ट पर अलवरगेट थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नसीरबाद रोड स्थित विजय वर्गीय मोटर ड्राइविंग शॉप के मालिक जितेंद्र विजय ने बताया कि गुरुवार सुबह जब दुकान खोलने आया तो दुकान के शटर के ताले टूटे पड़े थे और दुकान में लगे एलसीडी और कंप्यूटर सेट चोरी हो चुके थे। ये मेरी यहाँ पे अजंता सिनेमा पे विजयवर्गी मोटर्स और लेमिनेशन कंप्यूटर जॉब वर्क की जॉब है और मेरे यहाँ रात को 9:15 बजे 29 तारीख को मैं दुकान बढ़ा के गया और जब मैं सुबह 30 तारीख को सुबह 8 बजे आया दुकान खोलने के लिए, मैंने चाबी निकाली तो देखा कि दुकान में लॉक नहीं लगे हुए और जब मैंने शटर उठा के देखा तो अंदर देखा तो उसमें सामान इधर उधर फैला हुआ और कंप्यूटर जो टेबल पर रखा हुआ था वो गायब, कीबोर्ड माउस वगैरह भी गायब, टीवी भी एलईडी जो दीवार पे लगा हुआ था वो भी गायब हो गया था और मैंने उसका क्या बोलते हैं मुकदमा अलवरगेट थाने में दर्ज कराया और उन्होंने वहाँ पे कितने रुपए का सामान था आपको किस पे शक है? ये करीब था 22 इंच की एलईडी थी, ये करीब 15-16 हजार की ये थी और 15-16 हजार का कंप्यूटर था, 25 से 30 हजार रुपए का करीब ये नुकसान हुआ है मेरा। और शक तो ऐसा है कि एक मतलब उसी दिन कि मेरा एक वर्कर था जो मेरे यहाँ काम करता था उसने 10-15 दिन पहले जॉब छोड़ा था। वहीं गुरुवार सुबह मेरवाड़ा स्टेट के नीचे बने संतोषी माता मंदिर में दर्शन करने आई एक श्रद्धालु महिला की कार से अज्ञात शातिरों ने कांच तोड़कर पर्स चुरा लिया। यादव हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नलिनी पाल ने बताया कि वह अपनी कार से सुबह 10 बजे संतोषी माता के मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। मुश्किल से 10 मिनट मंदिर में पूजा कर वापस लौटी तो कार का कांच टूटा हुआ था और सीट के नीचे रखा पर्स चोरी हो चुका था। मंदिर संचालकों ने बताया कि दौलतबाग और रामप्रसाद घाट के आसपास खानाबदोश और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ये अभी 15 मिनट पहले हमें सूचना मिली है कि डॉक्टर नलिनी बाग वो उपस्थित होकर बताया कि मैं यहाँ संतोष माता मंदिर है दौलतबाग के पास में, वहाँ मंदिर में गई थी ढोकने के लिए पूजा करने के लिए, वापस 10 मिनट बाहर आकर के देखा तो गाड़ी का अगले सीट के पास वाला शीशा टूटा हुआ था, उसमें इनका सामान रखा था, एटीएम था, मोबाइल था, 4500 रुपये करीब थे तो वो गायब मिले। तो इसकी रिपोर्ट अभी प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और अपराधियों की जो भी संदिग्ध है अपराधी है उनके तलाश के लिए अभी रवाना कर दी है टीम, तलाश कर रहे हैं। उर्स के मेले में बहुत बढ़िया ढंग से जाब्ता लगा रखा है, पुलिस जाब्ता लगा रखा है, अपराधियों की पूरी निगरानी है, फिर भी अपराधी अपना मौका देख करके अपराध कर देते हैं जिनके तलाश चल रही है। किस चीज़ को निशाना बनाया जा सकता है? ये मंदिर के अंदर नहीं हुई है, आज ऑन रोड हुई है, जो गाड़ी के अंदर से सामान निकाला है जिसका प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और तलाश के लिए हमारे जो स्पेशल तौर से जो लगा रखे हैं अपराधी निगरानी। अब वो तो आप देखेंगे, अभी 15 मिनट पहले ही तो मैडम तो अभी यहीं बैठे हैं, ये देखेंगे कि उसको तोड़ा है कि काटा है कि क्या किया वो देखेंगे। जी, कार लेके सुबह 10 बजे के करीब मैं संतोषी माता के मंदिर गई, कार लॉक करा, बस था क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल जाना था वहाँ से सीधे, तो उसको मैंने सीट के नीचे रखा और मंदिर जाके हाथ जोड़े दर्शन करे, थोड़ी सी उनकी पोशाक ठीक करनी थी वो ठीक करी, 10 मिनट लगा मेरे को घड़ी के अंदर टाइम दे के बाहर निकली। उतनी देर में जब कार खोली मैंने तो देखा सामने सीट पे कांच बिखरा पड़ा था, अब वो तो मेरे को तो नीचे पूरा पड़ा हुआ दिखा, बाद में जब उसको देखा निरीक्षण करा तो पता चला कि किसी ने काट लिया था और जो बैग था मेरा सीट के नीचे जो मैं रख के गई थी वो बैग गायब था, पर्स गायब था, पर्स के अंदर ज्यादा पैसे तो 4500 रुपए थे पर मेरा ड्यू सिम का मोबाइल था और सब चाबियां थी, एटीएम कार्ड, बाकी की जो जरूरतमंद सामान डॉक्यूमेंट्स थे वो थे, जी हाँ ड्राइविंग लाइसेंस था, बाकी जितने भी कार्ड्स थे वो सब उसी में थे। हम लोग क्या माता जी की पैसे कर रहे थे अंदर, मैडम की गाड़ी मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी, 2 मिनट के मतलब 10 मिनट का काम हुआ होगा, 10 मिनट के अंदर माता जी की वो मैडम की गाड़ी में से कांच कटिंग करी, कांच की कटिंग करके उसको कांच को धक्का दिया, धक्का देकर के मैडम का पर्स पड़ा होगा, पर्स के अंदर पैसे वगैरह उनके आधार कार्ड वगैरह सभी थे, 2 मिनट के अंदर निकाल करके लेके आए। भैया घटना क्रम क्या साफ साफ दिखी रहा सबको, इस रोड पे मतलब मेरे मंदिर में 2 बार पहले चोरी हो चुकी है और ये मंदिर के बाहर दिन दहाड़े की घटना हुई है, मतलब 10 बजे मैडम आई है, 10 बजे के 10:15 बजे मंदिर के बाहर निकली है और 10 मिनट के अंदर काम हो गया था, मतलब इतने शातिराना दिमाग से ये सब काम चल रहा है यहाँ पे इस एरिया के अंदर।